उसके नीचे ये फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल विंडो हेल्प 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 मेन्यूज हैं। एक्चुअल में इन मेन्यूज के अंडर में कुछ ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। इस पूरी की पूरी बार को मेन्यू बार हम कहते हैं। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हमें मेन्यूज मिलते हैं और उन मेन्यूज के अंदर भी हमें कई बार सब आइटम्स मिल जाते हैं, तो ऐसे ही ये मेन्यू बार है। पूरा का पूरा लिब्रा ऑफिस इन मेन्यूज के ऑप्शंस पर बेस है। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये फाइल मेन्यू है तो इसमें देखिए आप कितने सारे ऑप्शंस हैं। न्यू है, आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपन ओपन रिमोट रीसेंट डॉक्यूमेंट क्लोज विजार्ड टेम्पलेट सेव सेव रिमोट सेव एज अ कॉपी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज सेंड प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, कितने ऑप्शन हैं। प्रिंट ऑप्शन भी यहीं पर है। ऐसे ही आपको एडिट मेन्यू में अंडू रीडू रिपीट कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट ऑल सिलेक्शन मोड डायरेक्ट कर्सर मोड फाइंड फाइंड एंड रिप्लेस फोटो ट्रैक चेंजेस कमेंट रेफरेंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको एडिट मेन्यू में अवेलेबल है। व्यू मेन्यू है, इसमें नॉर्मल वेब टूलबार स्टेटस बार रूलर स्क्रॉल बार ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंसर्ट में आपको पेज ब्रेक मोर ब्रेक इमेज मीडिया चार्ट ऑब्जेक्ट शेप सेक्शन टेक्स्ट ब्रेक दीज ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। ऐसे ही फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शंस हैं स्टाइल टेबल फॉर्म टूल विंडो। तो बेसिकली इन सबके अंदर जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑपरेशंस ऑप्शंस को हम यूज करके लिब्रा ऑफिस का यूज करते हैं। और ये सारे ऑप्शंस जहां पर एक पूरे की पूरी एक बार पर सेट है, इस पूरे की पूरी बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे यहाँ पर हमें जो ये बार नजर आ रही है, आप देखिए ये लेफ्ट में ना यहाँ पर ये डॉट डॉट बने हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी बार को आगे या पीछे मूव कर सकता हूँ। ऊपर या नीचे भी आप अपनी बार को एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपकी ये जो बार है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है। इस टूल बार में मेन्यूज के वो ऑप्शन जो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड ऑप्शन, वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है न्यू का। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन जाकर के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका काम करने वाला है। ऐसे ही ये ओपन ऑप्शन है, आपको फाइल पे फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली यहाँ ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मेन्यू से अलग अलग स्टैंडर्ड ऑप्शन उठाकर यहाँ रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको उसका नाम समझना है तो आप सिंपल से माउस का कर्सर वहाँ लेकर जाइए और माउस छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर उसका आपको नाम और उस ऑप्शन के लिए क्या शॉर्टकट की है वो भी नजर आएगी। यानी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू ऑप्शन ले सकते हैं, या आप यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से नए ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस एन एक शॉर्टकट की यहाँ पर अभी हमें नजर आई है, तो हम इस शॉर्टकट की हेल्प से भी नया डॉक्यूमेंट नया राइटर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से ओपन ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की है। सेव ऑप्शन, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ यानी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। ये आपका प्रिंट ऑप्शन है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा नजर आएगा। ये आपके लिए कट कॉपी पेस्ट क्लोन फॉर्मेटिंग, वर्ड में इसको हम फॉर्मेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। आपका अंडू रीडू ऑप्शन, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन, फॉर्मेटिंग मार्क्स चेक करना है आपको, यहाँ से आप सीधे सीधे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स यानी लिखने के अलावा कुछ आपको इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए पेज ब्रेक ऑप्शन अवेलेबल है, इंसर्ट फील्ड ऑप्शन है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यानी जो कीबोर्ड पर कैरेक्टर जनरली हमें नहीं मिलते हैं ऐसे कैरेक्टर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन है, फुटनोट है, इंसर्ट एंड नोट है, इंसर्ट बुकमार्क है, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस है, कमेंट है, आपका शो ट्रैक चेंजेस है, इंसर्ट लाइन है, बेसिक शेप्स हैं जो आप बहुत सारी शेप्स हमें मिल सकती हैं यहाँ से आप डाउनलोड या ड्रॉ कर सकते हैं, शो ड्रॉ फंक्शंस यहाँ पर आप सिंपल कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए कंटेंट दे सकते हैं,
तो ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस हैं, ये पूरी की पूरी अपनी एक बार है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। आते हैं उसके नीचे और ये जो बार है ये बेसिकली है हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। एक्चुअल में नाम इसके कुछ इस तरीके से रखा गया, फॉर्मेटिंग, जो आपके कंटेंट को फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करे। चाहे आपको यहाँ से अपने फॉन्ट बदलने हैं, स्टाइल चेंज करना है, यहाँ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये अपडेट स्टाइल है, यहाँ पर न्यू स्टाइल है, यहाँ पर फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आपको कोई भी अगर उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाइड है उसे फ्री करना है तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आपको फॉन्ट का कलर, यहाँ पे हाईलाइट फोर कलर, इसी तरीके से आप बुलेट और यहाँ नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों अलाइनमेंट मिलती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। यहाँ पर आप लाइन का स्पेस सेट कर सकते हैं, यहाँ आप पैराग्राफ का स्पेस सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है आपके लिए। यहाँ इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये जो लुक है पूरी की पूरी आपकी कैरेक्टर, आपकी लाइंस, आपके पैराग्राफ, आपके इन ऑप्शंस पर काम करती है। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी बार का नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार। अभी हमने तीन बार स्टडी करी है। सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार है, देन मेन्यू बार है, देन स्टैंडर्ड टूल बार है, देन फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार में ये ऑप्शन है हमारे सामने, जिस भी ऑप्शन के बारे में आपको जानना है आप माउस का कर्सर दबाना के छोड़िए, आपको उसका नाम नजर आएगा, शॉर्टकट की नजर आएगी। उसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है रूलर। ये एक्चुअल में एक स्केल है जो पॉइंट्स में हमारे लिए वैल्यू अरेंज करता है, जो हमें हेल्प करता है कि हमें इस पूरे के पूरे व्हाइट पेज पर कितने हिस्से पर काम करना है। रूलर की हेल्प से मार्जिन सेट करते हैं। आप देख रहे होंगे इस पेज पे यहाँ पे ये एक उल्टा एल बना है और एक इधर सीधा एल बना है। इट मींस आप यहाँ से यहाँ तक के हिस्से पे काम नहीं कर सकते। ऊपर वाले पोर्शन पर आप हेडिंग हेडर अप्लाई कर सकते हैं, बट यू कांट टाइप, आप अभी टाइप नहीं कर सकते। टाइप करने के लिए आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ से स्क्रीन थोड़ी जूम करता हूँ। जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार का ऑप्शन यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्टिकल जो कर्सर है, वर्टिकल एक लाइन है जो बार बार ब्लिंक हो रही है, आ रही है, जा रही है। बेसिकली इस लाइन को कहते हैं कर्सर। ये कर्सर हमें बताता है कि हम यहाँ से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इट मीन्स इफ यू राइट एनीथिंग, लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आई लव माई इंडिया। तो ये कर्सर हमें बताता है कि अब आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जूम वापस कम कर रहा हूँ। नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है पेज 1 of 1, 4 वर्ड, 15 कैरेक्टर। आपने 4 वर्ड लिखे हैं, 15 कैरेक्टर यूज किए हैं। डिफॉल्ट स्टाइल आपने क्या लिया है, इंग्लिश यूएसए की डिक्शनरी यूज हो रही है यहाँ पर। स्टैंडर्ड सिलेक्शन किया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट का जो मॉडिफिकेशन है सेव किया जा चुका है। और आपको ये कंटेंट के बारे में एक्चुअल में आपकी पूरी पोजीशन बता रहा है। इस पूरी की पूरी पोजीशंस वाली बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। तो ये है लिब्रा ऑफिस की स्टेटस बार। तो अभी हमने पढ़ा टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, नीचे आपका स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर ये जूम ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे आप अपने कंटेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये राइट में आप देखेंगे तो ये कंटेंट मेरा ऊपर या नीचे जा रहा है। तो ये हमारे पास में 2 तरीके की स्क्रॉल बार होती है। बेसिकली हम इन्हें स्क्रॉल बार कहते हैं। जब हम अपने पेपर को ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो ये है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। कई बार पेपर वर्टिकल की जगह हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। मान लीजिए आप इस पेज का जूम बढ़ा दीजिए तो आप देखेंगे नीचे भी एक बार अवेलेबल हो गई है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हमारे पास 2 बार है यहाँ पर, पहला वर्टिकल स्क्रॉल बार, सेकंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्रॉल बार हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट लिब्रा ऑफिस का समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे, पहली बार है, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इसका इंटरफेस समझ में आएगा। तो ये हमारा पूरा वाइट एरिया पेज है जहाँ पर हम टाइप करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। उसके पास में ये एक ऑप्शन था जो अभी हिडन हो रहा था। तो बेसिकली ये भी हमारे को पिक्चर ऐड करने के लिए
या ग्राफिक्स ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यहाँ से कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में पूरी स्लाइड बार सेटिंग्स की ऑप्शन हैं, तो यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके शो या हाइड भी करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन बेसिकली अवेलेबल है हमारे पास में शो ड्रॉ फंक्शन। तो ये पूरे के पूरे ड्रॉ फंक्शन है जो किसी भी इवेंट पर काम करेंगे। बाकी अभी हम सीखेंगे इसके बारे में, तो धीरे धीरे इस पर काम करेंगे। बुक पर और देखते हैं कि बुक अभी क्या कहती है इसके बारे में।